आपका हमारे चैनल आरजब में स्वागत है। चाणक्य नीति की सही एवं सटीक बातें हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं और दिल से समझते हैं तो आपको कामयाब एवं समझदार इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी यह कोशिश है कि आचार्य चाणक्य की छोटी से छोटी अनमोल बातों को अपनी इस सीरीज के माध्यम से आपको बता एवं समझा सकें। चाणक्य नीति की अनमोल बातों के सारे अध्यायों के लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं एवं एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य की अनमोल बातों का अध्याय 2। आचार्य चाणक्य के अनुसार बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह रिसर्च कर लें। कितना निवेश करना है, पहले से मौजूद प्रतिद्वंद्वी की जानकारी, नुकसान की भरपाई की रणनीति आदि। अधूरी जानकारी के साथ व्यापार शुरू करने के में फ़ायदा तो दूर, हमेशा घाटा झेलना पड़ सकता है। अक्सर कई व्यापारी अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर अपनी नीतियों में बदलाव करने की सोचते हैं, लेकिन इसे लागू करने से पहले पूरा मार्केट रिसर्च ज़रूर कर लें। नई नीति से कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान, बाकियों के मुकाबले कैसे आप ग्राहक की नज़र में दूसरों से अलग छवि बना पाएंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी व्यक्ति को व्यापार में नुकसान होने से बचाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सफलता की दिशा में पहला कदम कठोर परिश्रम और अनुशासन है। अनुशासन से ही परिश्रम का सार्थक फल प्राप्त होता है। काम के प्रति ईमानदार रहें, खुद के अलावा साथ काम कर रहे सहयोगियों में भी अनुशासन की भावना होना ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार में कामयाबी अकेले नहीं मिलती है, पूरी टीम के साथ और सभी का अनुशासित होना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यापार में वही लोग तरक्की कर पाते हैं जो कुशल होने के साथ अच्छे वक्ता भी हों। वाणी में जितनी मधुरता होगी व्यापार उतना ही फले फूलेगा। वाणी आपका काम बना और बिगाड़ सकती है। एक कुशल व्यापारी को हमेशा अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बोली से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए वाणी को सीमित रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां जोखिम ना हो। व्यापार में घाटे से कभी घबराए नहीं। ऐसे वक्त में कई नकारात्मक विचार पैदा होंगे, इन्हें खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर विश्वास करें और पूरी शिद्दत से नुकसान को मुनाफे में बदलने की रणनीति तैयार करें। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है एवं बेल का बटन भी दबाना है, ताकि गूगल बाबा को पता चल जाए कि आप और हम यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आए हैं एवं टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।